रखनी, उसके लिए जल्दी से आप आइए। मुकुल चोपड़ा, अंकित अम्बावत जी, तेज सिंह सैनी जी, कुंदन सैनी, साधु राम सैनी जी और राज भाटिया जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बीजेपी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बीजेपी पार्टी लगातार बदलती जा रही है। जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जिन्होंने पार्टी का दामन तब से संभाला जब पार्टी का नाम लेवा नहीं था कोई, तब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज उन्हें जो है खुडे लाइन लगा कर रख दिया है। पहले बड़े नेताओं की बात करें, लगातार आप टीवी चैनलों पर देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर, अनिल वी साहब पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, हरियाणा में जब नाम लेवा नहीं था तो अनिल वी साहब जो हैं पार्टी का झंडा उठाकर हमेशा आगे रहते थे। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी का बड़ा चेहरा और उसके साथ साथ तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे रामविलास शर्मा, इनको सबको जो है पार्टी ने खुडे लाइन लगा दिया है। लोग नाराज चल रहे हैं। एक मैं वीडियो दिखाना जरूर चाहूँगा, एक वीडियो और जो है जमकर वायरल हो रही है बीजेपी के जिला अध्यक्ष की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष की वीडियो वायरल हुई और उसके बाद पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अब सामने आने लगे हैं कि ऐसा कैसे जो है होने लगा। अभी कुछ दिन पहले आपने करनाल में देखा होगा कि पार्टी के एक सीनियर नेता जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ ही खड़े हो गए, वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर पर पहुँच जाते हैं, उन्हें दोबारा मना लिया जाता है और पार्टी में दोबारा जो है शामिल कर लिया जाता है। और ऐसा एक मामला जो है फरीदाबाद का अब सामने आ रहा है। कृष्णपाल गुर्जर, वहाँ में कई बार के वो सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, पूरा पूरा वर्चस्व उनका जो है फरीदाबाद में है और पार्टी ने अब फिर से है उन्हें टिकट दे दी हैं, लेकिन साहब के गुस्से का खामियाजा वहाँ पर जिला अध्यक्ष को भुगतना पड़ा। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में दिखाया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पर आए हुए हैं और कृष्णपाल गुर्जर जो हैं उन्हें मान सम्मान के तौर पर हुक्का भेंट कर रहे हैं, एक हुक्का जो है दिया जा रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और इतने में वो जो जिला अध्यक्ष हैं जिनका नाम राजकुमार बोहरा बताया जा रहा है, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो खुद आके हुक्के पे हाथ जैसे ही लगाते हैं तो उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर का गुस्सा जो है सातवें आसमान पर हो जाता है और उनको ये नहीं पता था कि लाइव चल रहा है और लाइव भी चल रहा है, उनके अपने पेजों पर लाइव चल रहा है, बीजेपी के पेज पर लाइव चल रहा है और वहाँ से वो वीडियो वायरल हो जाती है। कृष्णपाल गुर्जर उसको धमकाते हैं, उसका हाथ जो है पीछे साइड में करते हैं और उसको कहते हैं सीधा खड़ा हो जाओ। ये बात उन्होंने जो कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े थे, खुद मुख्यमंत्री ने भी सुने कि सीधा यहाँ पर खड़ा हो जाए, तो मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को कैसे दबाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, मैं गोल करके इसको राउंड राउंड में दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा ये दिखे कि ये कैसे जो है कृष्णपाल गुर्जर साहब जो हैं जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने हाथ लगाया उस हुक्के को और ये वीडियो जो है आज पूरे प्रदेश में जमकर वायरल हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों के साथ कैसा करेंगे। और उसके लिए जल्दी से आप आइए। मुकुल चोपड़ा, अंकित अम्बावत जी, तेज सिंह सैनी जी, कुंदन सैनी, साधु राम सैनी जी और राज भाटिया जी। तो ये एक वीडियो वायरल थी। अब बात करूंगा, मैं पानीपत के दो नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा टेलीफोन के लिए। उनके दिल का दर्द भी कई दिन हो गए हैं, बाहर नहीं निकल रहा था, तो मैं निकालने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वो लोग हैं कहाँ। पार्टी की दरियां और पार्टी के लिए झंडे दिन रात उठाया करते थे, वो गायब कहाँ हो गए। एक एक ना कोई स्टेज पे नजर आ रहा है, ना मुख्यमंत्री के रोड शो में नजर आया और ना ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता पानीपत के रहने वाले सूरज की, यानी कि सूरज बांगा उनका नाम है और पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। और सूरज बांगा साहब से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार वो क्यों नाराज चल रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र टुटेजा साहब के पास आपको ले चलूंगा, वो भी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं और पार्टी का नाम लेवा जब पानीपत में नहीं था तो तब वो पार्टी को ऊपर से उठाने की जो है कोशिश कर रहे थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने निकाय निगम का और कई जो चुनाव हैं वो जीते भी हैं, लेकिन अब उनको भी जो है खुडे लाइन लगा दिया है। सीधा चलते हैं सूरज बांगा के साथ। तो सूरज बांगा जी हमारे साथ हैं। बांगा साहब, कई कार्यक्रम हो रहे हैं शहर में, नजर नहीं आ रहे आप लोग पिछले कई सालों से, क्योंकि मैं जब से देखता रहा हूँ पार्टी की बड़ी सेवा की आप लोगों ने, लेकिन अब नजर नहीं आ रहे, कहाँ क्या दिक्कत रहेगी? ऐसा जी, मेरे को तो कभी संगठन ने सूचना ही नहीं दी है, सूचना नहीं दी। मैंने तो अपना सारा जीवन ही पार्टी को समर्पित किया है जी, बाल्यकाल से लेकर अब तक 15 वर्ष की आयु में पहली बार 1967 में स्वर्गीय राधेश्याम गोगिया जी के चुनाव बूथ में मैं बैठा था जी।
हमारे सामने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सरदारी लाल तलवार थे, जिनका चुनाव निशान उगता सूरज था जी। तब से लेके आज तक पार्टी ने मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी वो मैंने ईमानदारी से निभाई है। अब क्या, पता नहीं क्या बात है, अब ऐसा क्या हो गया, ये नए नेता आए हैं यही भूल गए या क्या दिक्कत हो गई? इस बात का तो ये ज्यादा तो वही बता सकते हैं। मेरे को तो पार्टी ने अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारी सौंपी, अपना मैं पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, उसके बाद युवा मोर्चा में रहा, उसके बाद मैं जिले की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया मेरे को, उसके बाद मैं RTI का जिला संयोजक रहा, उसके बाद प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ का मैं सदस्य रहा। मैंने पूरी ईमानदारी से अपना सारा जीवन और जो मेरे को जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी से मैंने ज्यादा ही काम किया है। कितने सालों, ये तो वो, कितने सालों ये से तो याद वो, नहीं किया जा रहा आपको? मैंने तो, मैं तो 15 वर्ष की आयु से लेके आज मैं 72 साल का पूरा होने वाला हूँ 10 दिन के बाद। अभी जो रिसेंटली जो BJP सत्ता में आई, 10 साल होने को है, इन 10 सालों में आपको याद किया गया? नहीं, मैंने तो कई बार पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को और उस समय हमारे अध्यक्ष थे जो आज के मुख्यमंत्री हैं श्री नरसिंह सैनी जी, इनको कई बार इनके मैंने फेसबुक के ऊपर इन्होंने मैंने यही लिखा कि आप जो हैं पुराने समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार उनको संगठन में या सरकार में स्थान दें, जिन्होंने अपना सारा जीवन संगठन को सत्ता तक ले जाने में निभाया, उनको उनकी योग्यता के अनुसार संगठन में या सरकार में उचित स्थान दें, ताकि उनको भी पता लगे कि हमने जो जीवन में सेवा की है और हमें आज हमें उसका फल मिला है। तो लेकिन हमारे, आप क्या मानते हैं, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा जी? ये तो वही है ना, गैरों पे सितम अपनों पे जुल्म, ये है ना जी, औरों के प्रति सद्भावना और अपने अपनों के प्रति दुर्भावना जी। आज देखिए ना, लोकसभा के हमारे 10 उम्मीदवार हैं, 10 में से 6 उधार के लिए हुए हैं। क्या क्या हमारे पार्टी में या हमारे संगठन में ऐसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो कि मतलब कांग्रेस के से टक्कर ले सके या कांग्रेस से चुनाव लड़ सके? लेकिन अपनों को छोड़ के दूसरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ये तो वही ज्यादा बता सकते हैं जी। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पार्टी लेकिन ने विधानसभा चुनाव में 70 बार का नारा दिया, तब 40 सीटें आई, अभी 400 बार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी के कट्टर समर्थित आप कार्यकर्ता रहे हैं, आपको क्या लगता है 400 पार हो जाएगा? मैं तो पहले आपके पहले वाली बात का जवाब दे रहा हूँ, जब ये 75 पार कह रहे थे तो मैंने उस समय भी अपने आंकलन के हिसाब से जितनी मेरे में राजनीतिक योग्यता थी मैं 40 इनकी दे रहा था और 30 जो है कांग्रेस को दे रहा था, लेकिन कांग्रेस वाले तो मान नहीं रहे थे मेरी बात, अपने वाले में नहीं मान रहे थे, उन्होंने क्या मानना था। और आज तीसरे चरण का चुनाव है, 19 अप्रैल को पहले चरण का था, दूसरा 26 अप्रैल को था और 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है, तो मेरे को लगता तो नहीं है जी 400 पार का तो नहीं लगता। अगर ये हमारी पार्टी अगर 300 भी ले जाए तो बड़ी ये बात होगी जी, लेकिन मेरे को संभावना तो नहीं लग रही। जिस तरह था लोगों में, इन्होंने लोगों का काम नहीं किया, मैंने खुद इनको एक कई बार कहा कि आप पुराने कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान दो। लेकिन केंद्र में तो सरकार कह रहे हैं कि मोदी साहब ने अच्छा काम किया है, आप कह रहे हैं कि ये 300 भी नहीं आती सीटें। देखो जी, मैं तो आज के हालात के ऊपर बता रहा हूँ, मैं कोई वो जोशी नहीं हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा आंकड़ा ये गलत भी हो जी। आपके लोकल नेताओं ने तो अच्छा काम किया होगा भाजी, उनकी तो क्या तारीफ करें जी। जो लोकल नेता है हमारे, वो तो किसी बच्चे को स्कूल में एडमिट भी नहीं करवा सकते जी। वो तो मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ जी, ये तो बहुत अच्छे हैं जी, इनकी इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है जी। चलिए बांगा साहब, धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर सुरेंद्र टुटेजा जी हमारे साथ हैं और पार्टी के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आजकल जो है नजर नहीं आ रहे। टुटेजा साहब, क्या नाराजगी होगी बीजेपी से? कल रोड शो था इतना बड़ा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का, वहां पर भी नजर नहीं आए, पानीपत में इतने प्रोग्राम हुए वहां भी नजर आ रहे, क्या नाराजगी चल रही है बीजेपी से? नहीं नहीं, बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, पर जो हमारे पदाधिकारी या संगठन के लोग हैं उनका रवैया जरा ठीक नहीं है। क्योंकि इतने बड़े पर्व में जिसका हमें 5 साल इंतजार रहता है और अपने शीर्ष नेता को हमें चुनने का मौका मिलता है, अगर उसमें हमारी हिस्सेदारी ना हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर किसकी क्या मंशा है। क्योंकि विभिन्न पदों पर रहते हुए हमने कभी भी पार्टी की सेवा की है, राजनीति नहीं की।
और मुझे लगता है कि शायद हमारी आवश्यकता नहीं है इनको। किस कहाँ कहाँ इशारा कर रहे हैं आप, कौन से पदाधिकारी की बात कर रहे हैं और क्या मंशा है? पदाधिकारी संगठन की बात हो रही है, संगठन के पदों पर बैठे हुए लोग। और मैं तो कह सकता हूँ कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमें पसंद नहीं करते। क्या कारण? क्योंकि जिम्मेवारियां देने के बाद भी अगर ले ली जाए तो फिर वो अच्छा ऐसा लगता है कि कहीं हमारी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पार्टी के कहीं जो बड़े नेता हैं, जैसे अनिल वी साहब की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, जी, इनको जी, जो है पार्टी ने दरकिनार कर दिया। आप तो पार्टी के बहुत छोटे से नेता हैं। जी जी जी। ऐसे ही पार्टी दरकिनार करती रही तो ये 400 पार का जो नारा है ये हो जाएगा पूरा? नहीं, 400 पार का तो नारा पार होगा ही होगा, क्योंकि वोट जो मिलने वाले हैं इन व्यक्ति विशेष को छोड़ करके। देखो, मैं अगर बात करूं खट्टर साहब की तो उधर से, तो खट्टर साहब की बात करूं तो खट्टर साहब बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और बड़े कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति हैं। परंतु जो छोटे लोग हैं, जो छोटे कार्य जो नेता हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो नेता नहीं हैं। और जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं यहाँ के, उनको शायद कहीं ना कहीं भय रहता है कि भाई कोई हमारे से आगे ना निकल जाए, इसलिए इनको जिम्मेवारी ना दें। जिम्मेवारी ऊपर से नाम आती है, ये लोग ऊपर तक पहुंचाते नहीं है। मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस बात का पता नहीं है कि किन किन कार्यकर्ताओं की इन्होंने घर बैठाया हुआ है, जबकि वो इस यज्ञ में हिस्सा लेना चाहते हैं। आपकी नजर में कौन 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 से हैं ऐसे पुराने कार्यकर्ता जो अभी घर पे बैठे हुए हैं? काफी बैठे हुए हैं। अगर अब हम देखेंगे, देखो हमेशा किसी भी पार्टी को स्वस्थ तब माना जाता है जब उसमें पुराने और नए कार्यकर्ता सभी हों, यानी कि नए कार्यकर्ता भी आए, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आए और वयोवृद्ध वरिष्ठतम कार्यकर्ता भी आए। अब ये कह करके कि भाई आप वरिष्ठ हो गए हैं या आप बड़े हो गए हैं, तो हमारे से बड़े बड़े भी आज हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें ये कह देना नहीं नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते एक दूसरे को पसंद ना करना, ये एक बहुत बड़ी, हमारे में अगर कहीं कोई वोटों की कमी आई या कहीं ऐसा कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है, इनेलो जिम्मेवार नहीं है, विपक्ष जिम्मेवार नहीं है, हमारे अपने ही स्थानीय नेता लोग हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, इसलिए आप नहीं आ रहे फील्ड में? आने को सूचना ही नहीं होती। अच्छा, सूचना नहीं मिलती आप तक? बगैर सूचना तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप तक सूचना पहुंचती नहीं है? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सूचना नहीं है किसी भी कार्यक्रम की। और मैं एक सेकंड के लिए आपके इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे संगठन के अध्यक्ष महामंत्री वगैरह लोगों को, जिला अध्यक्ष वगैरह को ये बिल्कुल सूचना देना चाहता हूँ कि मान सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं को रखें, ताकि इनका इनका भी जो 400 पार का नारा है वो पूरा हो और कार्यकर्ता को भी काम और मान सम्मान दोनों मिले। कल को सीएम या पूर्व सीएम आपके आ जाए आपके पास घर पे तो आप चल पड़ेंगे? मेरे अपने यार, मैं कब मना करता हूँ इन बातों के लिए? देखो मैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं हमारे, तो संगठन के कोई भी व्यक्ति अगर हमें अप्रोच करें तो करें तो सही, अगर वो अगर व्यक्तिगत कहीं वो कोई भी बात है, मेरे में कमी है तो मुझे बताएं। मैंने जब से पार्टी ज्वाइन की और सक्रिय भूमिका निभाई है, विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है और निष्ठा से काम किया है और उसके अंदर मैं सफल भी हुआ हूँ। मैं और मेरे साथी, मेरी पूरी टीम, हमने 14 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था भारतीय जनता पार्टी का जिला का, तो हमने निकाय भी जीता, निगम विधायिका भी जीती और संसदीय सीट भी जीती और सरकार भी बनाई, आज उसी का सारा फल है। चलिए, मतलब बड़ी 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 बात ये, मेरी भागीदारी थी उसमें जी। बड़ी बात ये है कि मतलब पार्टी पुराने नेताओं को बोल रही है, नए नेताओं को है, जैसा अभी सूरज बांगा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा है, इसमें इसमें बिल्कुल सच्चाई है।
इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और ऐसा करते रहे तो लोगों को कहीं ना कहीं घर बैठना या कहीं और जाना, उसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है। और ये जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनको बल्कि हमारी अनुभव का लाभ लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद टुटेजा जी। तो ये दोनों शख्स हैं, सूरज बांगा और डॉक्टर टुटेजा साहब। अभी इनकी भड़ास बहुत ज्यादा थी पार्टी के पदाधिकारियों के प्रति। सूरज बांगा साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि मैंने तो इनको पहले ही कह दिया था कि 30 सीटें जो इनकी, 40 सीटें वही आएंगी, और हुआ भी ऐसा कि 40 सीटें जो हैं आई, और उसके बाद उनको खुड्डे लाइन जो है लगाते 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 आज उनको जो है पूछा भी नहीं जा रहा भी सूरज साहब कहाँ हैं। और टुटेजा साहब भी अभी पिछले चुनाव तक तो वो नजर आ रहे थे, लेकिन वो जो है वो भी गायब हो गए। उनका ये तर्क है कि उनको पार्टी सूचना ही नहीं देती, और बिना सूचना के वो लोग कैसे जाएं। तो ऐसे कई लोग हैं, पानीपत के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, जिन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कि पार्टी के उन नेताओं में घमंड आ गया जो तो दो दो तीन तीन चार चार बार जीत के दोबारा आए हैं, उनमें घमंड आ गया है, इसलिए पदाधिकारियों को कुछ समझ नहीं रहे, अपने कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया है। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को साथ के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।